If winter comes, can spring be far behind? Hi, this is Surbhi. As you know, winter has gone. So I want to share something with you. You know, कुछ लोगों को winters पसंद है और कुछ लोगों को नहीं होती पसंद. Like मुझे तो उतनी पसंद नहीं है winters because मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है शुरू से ही. But I also enjoy at the same time. ऐसा नहीं है. And you know, winters में क्या होता है, like होमलेस जो पीपल होते हैं जिनके पास घर नहीं होते उनको बहुत दिक्कत होती है. उनके पास ब्लैंकेट्स नहीं होते, अच्छे से कपड़े नहीं होते, या फिर जब स्नोफॉल का टाइम आता है तो यू नो पेड़ जो होते हैं वो ढंग से खिलते नहीं हैं, फूल नहीं आते अच्छे. पर लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि विंटर्स का, जैसी विंटर्स ख़त्म होती है ना, स्प्रिंग आ जाता है. यू वॉन्ट टू सी स्प्रिंग? देन लेट्स गो. सो गाइज, ये है सिल्क कॉटन ट्री के फ्लावर्स रेड कलर में, जो मुझे बहुत ही पसंद है बिकॉज रेड इज़ माई फेवरेट कलर. मैं थोड़ा सा जूम इन दिखाती हूँ आपको. आई होप आप देख पा रहे होंगे. इन केस अगर नहीं देख पा रहे हो तो मैं फिर भी एक फ़ोटो इसकी ऐड कर दूँगी, सो देर आप देख सकते हो. सो मेरा एक्चुअली मैसेज ये था कि जब भी विंटर्स आती हैं तो कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेचर एंड लाइफ दोनों बैलेंस कर देती है. So always enjoy spring just like me. I'm going to enjoy with this flower. And ye tha part 1. I'll create a part 2 shortly for you. Till then, stay tuned. Bye bye. Now until then, holding out for spring. We can't let winter win. That's why I